अस्सलाम वालेकुम केमिस्ट्री क्लास चैप्टर नंबर है एनालिटिकल केमिस्ट्री आज हम इसके टेस्ट और सर्व करेंगे क्वेश्चन नंबर वन है डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री पेज नंबर वन जीरो फोर पे इसका आंसर है द एनालिटिकल केमिस्ट्री डील्स विद इंस्ट्रूमेंट्स एंड मैथड्स टू सेपरेट आइडेंटिफाई एंड क्वानिफाई द मैटर एनालिटिकल केमिस्ट्री में इंस्ट्रूमेंट और मैथड्स के जरिए मैटर को सेपरेट आइडेंटिफाई या फिर क्वांटिफाई करते हैं क्वेश्चन नंबर टू है प्रूफ दैट एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री प्रूफ करें कि केमिस्ट्री की तमाम टाइप्स का एक पार्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर टू का आंसर पेज नंबर वन पर है ये लास्ट पैराग्राफ हम लिखेंगे द एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अप्लाइड इन ऑल फील्ड ऑफ केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री की तमाम फील्ड में अप्लाई होता है सच एज मेडिसिन जैसे मेडिसिन की फील्ड हो गई क्लिनिकल या लेबॉरिट्री की फील्ड हो गई जिसमें हम मुख्तलि ब्लड के टेस्ट वगैरह करते हैं इंडस्ट्रीज़ एग्रीकल्चरल फ़ूड कंटेमिनेशन एंड एनवामेंटल प्रोटेक्शन जो हम अगर किसी वाटर के अंदर देखना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं या उसके अंदर कितने पॉल्यूटेंट्स हैं या कोई भी फूड मटेरियल है उसके अंदर हम देखना चाहते हैं कि उसके अंदर कितनी कंटेमिनेशन है क्या उसकी क्या क्वालिटी है एनालिटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम केमिस्ट्री से रिलेटेड तमाम फील्ड्स uh, के अंदर उसको यूज करते हैं चाहे वो एग्रीकल्चर की हो चाहे वो फूड कंटेमिनेशन हो चाहे वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो या क्लिनिकल लेबोरेट्री हो या मेडिसन हो इन तमाम को जो है हमें एनालाइज करने के लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री यूज होती है और ये तमाम जो है केमिस्ट्री की ही मुख्तफ फील्ड्स हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है जस्टिफाई दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू क्वालिफाइंगटिफाई एनी सैंपल इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ये आप साबित करें कि जो है किसी भी सैंपल को हम वेट करने से या मेजर करने से पहले हमें जरूरी है कि हम ये मालूम करें उसकी क्वालिटी उसको क्वालिफाई करें यानी कि हम ये देखें उसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूंट या इंग्रेडिएंट्स हैं इसका आंसर हम लिखेंगे क्वालिफाइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनालिसिस ऑफ अ सब्सटेंस और सैंपल किसी भी सैंपल या सब्सटेंस के एनालिसिस का फर्स्ट स्टेप है क्वालिफाइंग एट फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन सैंपल सबसे पहले हमें ये मालूम करना होता है कि किसी भी सैंपल में कौन से कॉन्स्टिट्यूंट हैं यानी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आइंस हैं या कोई वो कंपाउंड है या वो कोई मिक्सचर है सो इट इज़ अ बेसिक थिंग टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स आइंस और कंपाउंडस प्रेजेंट इन द सैम्पल तो सबसे बेसिक चीज़ यही है कि हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करें पहचानें कि कौन से एलिमेंट्स हैं आइंस हैं या कंपाउंडस हैं उस सैंपल में दैन गो फॉर क्वान्टिफाई द अमाउंट फिर उसके बाद हम क्वान्टिफाई करें उसकी अमाउंट और मेजर द क्वांटिटी ऑफ कॉन्सिटेंट ऑफ सैंपल या फिर हम सैम्पल में जो कॉन्सिटेंट हैं उसकी क्वान्टिटी को मेजर करें सबसे पहले कॉन्सिटेंट फाइंड करेंगे यानी कि क्वालिफाई करेंगे उसके बाद हम क्वान्टिफाई करेंगे उन कॉन्सिटेंट को मेजर करके क्वेश्चन नंबर फोर है डिस्कस विच मैथड डील्स विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टेंसेज फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है कौन से मैथड के अंदर हम जो है एनालाइज करते हैं द फिजिकल मैथड ऑफ क्वालिटेटिव अनालिसिस इज़ यूज टू मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्वालिटेटिव अनालिसिस में जो फिजिकल मैथड है वो हम यूज़ करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज फाइन करने के लिए सच दैट डेंसिटी अब वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी कौन सी हैं जैसे हो गई डेंसिटी टेम्परेचर एब्जॉर्बशन ऑफ लाइट मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कलर एंड टेक्स्चर तो डेंसिटी हम जानते हैं कि जब हम मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो हम डेंसिटी फाइन करते हैं टेम्परेचर हो गया किसी चीज़ का एबजॉर्प एब्जॉपन ऑफ लाइट कोई चीज़ कितनी लाइट एबजॉर्ब करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के जरिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का मैथड किया जाता है मैगनेटिक इन्फ्लुंस यानी कि किसी किसी भी चीज़ के ऊपर उसके मैग्नेट का क्या इन्फ्लुंस होता है उसके अलावा उसका कलर क्या है या उसका टेक्स्चर कैसा है तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम क्वालिटेटिव अनालिस के अंदर फ़िज़िकल मैथड में जो है फाइंड करते हैं द फिज़िकल मैथड आर अटोमिक इमेजन स्पेक्ट्रोग्राफी ए ई एस फॉर एग्जाम्पल एक जो हमने एक फिजिकल मेथड बताया है वो है ए ई एस और इसको पूरा कहते हैं अटोमिक इमिजन स्पेक्ट्रोग्राफी आप जाएँ तो इसके अंदर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोग्राफी भी लिख सकते हैं उसके अलावा आप इसके अंदर इन्फ्रा रेड भी इसकी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं उसके अलावा है ई डी एस और एंड एफ टी आई आर इनके मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख दिए इसकी फुल फॉर्म आपकी बुक में इसमें मौजूद है फिजिकल मेथड में क्वेश्चन नंबर फाइव है डिफ्रेंशियट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस देखिए ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर है ना मैंने आपको प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने शॉर्ट क्वेश्चन करवाए इसके सेक्शन बी करवाया उसमें भी करवाया और सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन में भी करवाया आप इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला है वो इसमें कर लें क्योंकि टेस्ट हम ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं लिखते उसमें से आप कर लीजिएगा इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन नंबर सिक्स है प्रूव दैट इम प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन इज अ अस्टमेटिक एरर तो कहते हैं कि जब हम एसिड और बेस की टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो उसमें अगर हमारा जो है सही आंसर नहीं आता सही रिजल्ट हमें नहीं आता तो वो एक सिस्टमिक एरर होता है हमें ये बताना है इसका आंसर हम लिखेंगे एज वी नो दैट सिस्टमेटिक एरर्स आर कॉज बाय इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हम जानते हैं कि सिस्टमेटिक एरर्स जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स की इम फंक्शनिंग की वजह से होते हैं यानी जो इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज़ किए जा रहे होते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम या ख़राबी होती है या उनको गलत तरीके से जो है इस्तेमाल किया जा रहा होता है या उनको या फिर जो प्रोसीजर होता है उसको सही तरह फॉलो नहीं किया जा रहा होता इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन इफ़ पी एच इंडिकेटर इज़ नॉट प्रॉपरली प्रिपेयर्ड अगर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करते वक्त पी एच इंडिकेटर जो कि उसमें यूज़ होता है एक वो सही तरह प्रिपेयर ना किया जाए देन कलर चेंज विल अपीयर बिफोर एक बैलेंस पॉइंट जब हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करते हैं तो उसमें हम एक इंडिकेटर डालते हैं तो इंडिकेटर का जब कलर चेंज हो जाता है तो हम कहते हैं अब टाइट्रेशन कम्पलीट हो गई और जो जो रिएक्शन है वो कम्प्लीट हो गया इंडिकेटर के कलर चेंज होने से ही पहचानते हैं कि हमारा जो इक्वेलेंस पॉइंट है वो आ गया अगर हमने पी इंडिकेटर ही सही तरह प्रिपेयर नहीं किया होगा तो हमारा इक्वेलेंस पॉइंट जो है वो वक्त से पहले आ जाएगा जो उसके रियल पॉइंट होगा उससे पहले ही आ जाएगा और इफ़ ब्यूरिट इज नॉट प्रॉपरली क्लीन और रेंस्ड अगर ब्यूरिट जो है सही तरह धुली भी नहीं होगी साफ नहीं होगी इट विल कॉज एन एरर इन रिएक्शन उससे भी रिएक्शन में एरर आ जाएगा हमारी रीडिंग में फर्क आ सकता है हमारा रिएक्शन जो है वो लेट डिले भी हो सकता है और बिफोर भी हो सकता है बोथ आर द सिस्टमेटिक एरर ये दोनों जो एरर्स हैं ये सिस्टमैटिक एरर हैं दस एम प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन इज अ अस्टमेटिक एरर इससे साबित होता है कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का जो रिजल्ट अगर ठीक नहीं आता तो उसकी वजह सिस्टमैटिक एरर होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रोसीशन हमें एक्यूरेसी और प्रोसीशन में डिफरेंस बताना है ये मैं आपको पहले अच्छी तरह समझा चुकी हूँ इस वक्त मैं आपको सिर्फ मार्क करवा देती हूँ वरना जो मैंने आपको पहले इसमें डिफरेंस लिखवाया है ना उस सेम वो भी लिख सकते हैं एक्यूरेसी की डेफिनेशन आप पेज नंबर 110 पे लिखेंगे फोर्थ लाइन में है एक्यूरेसी से स्टार्ट करेंगे और ट्रू वैल्यू तक लिखेंगे एक्यूरेसी इज़ अ डिग्री ऑफ़ एग्रीमेंट बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू एक्यूरेसी जो है ये एक अग्रीमेंट है एक डिग्री ऑफ अग्रीमेंट है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान एंड एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू इज़ वेरी रियरली ऑप्टेन किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो होती है एब्सोल्यूट ट्रू ट्रू वैल्यू जो हमें गिवन होती है वो बहुत कम ही हासिल होती है ड्यू टू दिस मोर रियलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ एक्यूरेसी इज एन अग्रीमेंट बिटवीन अ मेजर वैल्यू एंड अ एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू इसीलिए जो रियलिस्टिक uh, डेफिनेशन जो बनती है एक्यूरेसी की वो यही बनती है जो हमारी मेजर वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के जितने ज़्यादा क्लोज होगी जितनी जितनी करीब वैल्यू होगी वो ही एक्यूरेसी एक्यूरेट वैल्यू कहलाएगी एंड दिस इज कॉल्ड एक्यूरेसी आप चाहे तो इसकी एग्जाम्पल भी दे दें द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज़ द ट्रू वैल्यू इसको थोड़ा सा अपने वर्ड में कर लीजिएगा द ट्रू वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ कॉपर इज एट पॉइंट नाइन नाइन ग्राम पर एम एल एंड द रिजल्ट ऑफर मेजरमेंट आर टेन पॉइंट जीरो एट पॉइंट जीरो एंड नाइन पॉइंट थ्री ग्राम पर एम एल एंड दियर एवरेज इज नाइन पॉइंट वन ग्राम पर एम एल तो अब इसकी एवरेज निकाली नाइन पॉइंट वन थी विच इज़ नियरस्ट टू द एक्सेप्टेड वैल्यू देखिए नाइन पॉइंट वन वन जो है एट पॉइंट नाइन के करीब करीब है क्योंकि एट पॉइंट नाइन को आप अगर राउंड ऑफ करें तो ये नाइन ही है और ये नाइन पॉइंट वन है तो ये क्लोज़ है लेकिन जो ये वैल्यूज़ अलग अलग हैं ये देखेंगे ये ज़्यादा है नाइन पॉइंट थ्री भी ज़्यादा है एट बहुत कम आ जाएगी और टेन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी जब हमने इन सब का सम निकाल के इनको थ्री से डिवाइड करा यानी एवरेज निकाला नाइन पॉइंट वन आ गया जो कि क्लोज़ है तो हम कहेंगे विच इज़ नियरेस्ट एक्सेप्टेड वैल्यू एंड कंसिडर एज़ एक्यूरेट वैल्यू तो ये जो सम निकला है हमारा एवरेज निकली ये जो एवरेज वैल्यू निकली है यही एक्यूरेट वैल्यू के क्योंकि ये हमारी ट्रू वैल्यू के क्लोज़ है इसके बाद हम कर लेते हैं तो जब हम कोई कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके अंदर जो हमारी वैल्यूज आई होती है तो हम बहुत सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं अगर वो वैल्यूज एक दूसरे से करीब करीब होती हैं, क्लोज होती हैं, वो होती है, वो कहलाती है प्रिसिशन। इट इज रिपीटेडली ऑफ अ रिजल्ट एंड नोन एज डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस तो ये जो होता है रिपीटेड वो जो रिज़ल्ट हमारा रिपीट हो रहा हो या एक दूसरे से करीब करीब हो वो ज़्यादा एग्जैक्ट है प्रेसिशन इज मेजर्ड हाउ मच डिटेल इंफॉर्मेशन इज गिविन एंड हाउ मच एग्जैक्टली मेजरमेंट वॉज वॉज टेकन प्रेसिशन के अंदर जो होता है हम ये सब जो डिटेल होती है उस सब को एग्जामिन करते हैं और ये भी देखते हैं कि हमें जो डिटेल गिवन है उसमें मेजरमेंट को पूरा पूरा हम एग्जैक्टली exactly काउंट करते हैं जैसे अगर हमें टू पॉइंट थ्री फोर वन टू दी हुई है और थ्री पॉइंट वन थ्री नाइन टू दी हुई है तो हम हम पहले पहली वैल्यूज़ भी देखेंगे दूसरी भी देखेंगे थर्ड भी फोर्थ भी और फिफ्थ भी सारी वैल्यूज़ को हम कंपेयर करते हैं कि क्लोजेस्ट हो नहीं है तो जो हमें एक्सपेरिमेंट की मुख्त वैल्यूज़ अगर निकलती हैं और वो एक दूसरे के करीब करीब होती हैं उनमें एक एक का डिफरेंस हो उससे ज़्यादा का डिफरेंस ना हो या आगे पीछे क्यों या सेम हो वो कहलाती है प्रिसाइज वैल्यू तो एक्यूरेट वैल्यू और प्रिसाइज वैल्यू में यही फ़र्क है कि एक्यूरेट वैल्यू जो होती है तमाम वैल्यूज़ का निकाल के उसके जितने भी नंबर होता है उस नंबर से डिवाइड करके उसकी एवरेज निकालते हैं तो तमाम वैल्यूज़ की एवरेज अगर हमारी एक्यूरेट गिवन वैल्यू के करीब होती है ट्रू वैल्यू के करीब होती है तो हम कहते हैं एक्यूरेट हमारा आंसर जो है एक्यूरेट है जितने भी ऑब्जर्वेशन निकाले हैं वो तमाम ऑब्जर्वेशन की रीडिंग जो है वो एक दूसरे से करीब हो रीडिंग्स एक दूसरे से करीब हो क्लोज क्लोज हो वो कहती है एक्सप्लेन टाइट्रेशन एंड विच है और ये बताना है इसके अंदर कौन सा अपेरेटिस यूज होता है द कंपेरिजन ऑफ वैल्यूज ऑफ आ सोल्यूशन ऑफ नॉन कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन टाइट्रेशन के अंदर हम जो हमें गिवन सैंपल या सॉल्यूशन होता है उसको हम ऐसे सॉल्यूशन के साथ मिलाते हैं जिसकी हमें पहले से कॉन्सेंट्रेशन मालूम होती है इस तरह से हम उसकी जो है कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करते हैं टाइट्रेशन में जो अपेरेटस यूज होता है वो होता है पिपिट यूज़ होती है ब्यूरेट यूज़ होती है और फ्लास्क यूज़ होती है उसके अलावा अगर हम इसमें वो देखें जो 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 इसके कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं इसमें एक टाइट्रेंट होता है एक एनालाइट होता है और एक इंडिकेटर होता है टाइट्रेन क्या चीज होती है टाइट्रेन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसकी हमें कॉन्सेंट्रेशन पहले से मालूम होती है और एनालाइट वो सॉल्यूशन होता है या वो सैंपल होता है जिसकी हमें एनालाइज करना होता है और इंडिकेटर क्या होता है इंडिकेटर जो होता है टाइट्रेशन का एंड पॉइंट शो करता है यानी कि जिस वक्त इसका कलर चेंज हो जाता है इंडिकेटर का तो हमें पता चलता है कि अब जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो कम्प्लीट हो गया टाइट्रेशन हमारी कंप्लीट हो गई इसकी एग्जाम्पल हैं जैसे कि मिथाइल ऑरेंज यूज होता है लिटमिस पेपर यूज़ होता है या फिनेफ्थलिन यूज़ होती है मैं इसको आपको रीड कर देती हूँ अपेरेटस है पेपिट ब्यूरिट एंड फ्लास्क टाइट्रेंट क्या चीज़ है सॉल्यूशन ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन एनालाइट क्या चीज़ है द सॉल्यूशन दैट इज नीड टू एनालाइज और इंडिकेटर क्या होता है सजरेट फिनेफ्थलिन मिथाइल ऑरेंज एंड लिटमिस पेपर ज़्यादा इसको डिस्क्राइब करने की हमें जरूरत नहीं यह हमें सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट आंसर लिखना in है नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया एक्सप्लोर वाई वी यूज इंडिकेटर्स इन टाइट्रेशन हम टाइट्रेशन में इंडिकेटर्स क्यों यूज़ करते हैं पेज नंबर वन पर हमारे पास का आंसर है यहाँ एन इंडिकेटर्स हम लिखेंगे एन इंडिकेटर से लेके रिएक्शन तक एन इंडिकेटर इज ऑल्सो एडेड इन टाइट्रेशन या फ्लास्क की जगह काट के लिखते हैं टाइट्रेशन दोबारा से पढ़ती हूँ एन इंडिकेटर इज ऑल्सो एडेड इन टाइट्रेशन शो द एंड पॉइंट ऑफ द होल रिएक्शन एक इंडिकेटर ऐड किया जाता है टाइट्रेशन के प्रोसेस में जो कि शो करता है कि रिएक्शन का एंड पॉइंट क्या है जब एंड पॉइंट आ जाता है इट चेंज इट्स कलर ठीक है तो ये इसका आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिस्ट डाउन द स्टेप्स ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के हमें स्टेप्स बताने हैं इसी पेज पे पेज नंबर वन हंड्रेड ट्वेल्व पे इसका आंसर मौजूद है ये लास्ट जो है फोर स्टेप्स हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ सैम्पल तक लिखेंगे फोर स्टेप्स ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आर यहाँ तक लिखेंगे नंबर वन है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन विद नॉन वेट ऑफ सैंपल ये जो है ना एजीसीएल ये आप काट दीजिएगा ठीक है क्योंकि ये जो हमें एग्जांपल दी थी ना एजीसीएल के साथ करके दिखाया था कि एक एजीसीएल दिया है उसमें से हम क्लोरीन अलहदा कर रहे हैं लेकिन इसके अंदर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और आप चाहें तो मैंने आपको जो क्वेश्चन आंसर में करवाया है ना ये डिफरेंस ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का उसमें मैंने इसके जो है चेंज करके ही लिखा हुआ है आप चाहें तो उसमें से भी कर सकते हैं मैं आपको बुक से भी कर बता देती हूँ तो पहला हम स्टेप लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन विद नोन वेट ऑफ सैंपल बस यहाँ तक ही लिखेंगे जो सैंपल हमें गिवन किया है उसको हम किसी ऐसे सॉल्यूशन के साथ मिलाएंगे जिसका हमें पहले से वेट करा हुआ होगा स्टेप टू है सेपरेशन ऑफ ऑफ द डिज़ायर्ड कॉन्स्टिट्यूंट्स तो जो हमें जो हमें सैंपल में से जो कॉन्स्टिट्यूंट निकालना है उसको सेपरेट कर लेंगे थर्ड इसको सेपरेट करने के लिए जो है प्रेसिपिटेट बना के सेपरेट किया जाता है थर्ड है, है हमारे पास वेइंग सेपरेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमने कॉन्स्टिटेंट सेपरेट किया है उसको वेट कर लेंगे फोर्थ है हमारे पास कॉम्पिट्यूशन ऑफ अमाउंट ऑफ सेपरेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट इन द सैंपल तो ये जो हमने सेपरेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट का वेट निकाला है उसको हम कंप्यूट करेंगे सैंपल से बस यहां तक ही हम लिखेंगे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारे तमाम टेस्ट और के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अल्लाह हाफिज़